आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है 4NH4HS आपके यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है NH3 में और H2S में, KP आपको दिया हुआ है 64 atm square, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज। तो देखिए इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन को लूँगा वापस से, NH4HS ये सॉलिड है, ठीक है, ये फॉर्म कर रहा है NH3 गैस और H2S गैस। तो ये जो आपके पास बना है ये गैस है, ये आपके पास गैस है, जो KP होता है वो होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। सॉलिड का तो पार्शियल प्रेशर होगा नहीं यहाँ पे, एक ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा केपी के अंदर, NH3 H2S ही करेगा। देखिए इक्विलिब्रियम होने के बाद जो आपके पास प्रेशर निकल के आता है गैसेस का, वो उनके कोफिशियंट्स की रेशियो में निकल के आता है। ये जरूरी है, अगर बात की जाए इक्विलिब्रियम के बाद प्रोडक्ट की, है ना, तो उनका जो प्रेशर का रेशियो होगा वो उनके कोफिशियंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर इसका प्रेशर पी है पार्शियल प्रेशर, इसका कितना बनेगा, पी ही पार्शियल प्रेशर आएगा, ठीक है। अब केपी हमारे पास क्या है यहाँ पे, वह आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। ये भी पी है हमारे पास, ये भी पी है हमारे पास, ये कितना बन गया P² 64। ये आपका निकल के यहाँ से आएगा P = 8। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का ऐड कर देंगे हम लोग, है ना, ये और ये P + P, कितना बन गया 2P। तो 2 × 8 कितना बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपली 16 atm, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।